केरला की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मैंने अभी अभी मैं कहीं कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज मैं भी पूछ रहा हूँ हिंदी में, इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट आपको क्या नाम है इनका मलर मलर दिल तमिलनाडु में चले गया, कश्मीर में चले गया, चाइना बॉर्डर में चले गया, अब वापस उधर आ गया। सही आप लोगों की वजह से। तब से जो पुराना हाथी है वो करीब 77 ईयर्स ओल्ड है, मतलब समझ रहे लगभग 80 साल इंसान नहीं जी रहे हैं आजकल, 80 साल। It's really nice. ये अभी बहुत ही यंग है शायद इसलिए इतना एग्रेसिव है। हाय गुड मॉर्निंग, आज है डे 5 और कल का स्पीड बोर्डिंग से तो मज़ा ही आ गया था और काफ़ी थक भी गए हम। पिछले 2 दिन से गुरुवायूर में हैं और 2 दिन से हम वो एलिफेंट देखने जाने का ट्राई कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ गर्मी इतना ज़्यादा है कि दिन में कहीं निकल ही नहीं पा रहे, सुबह शाम ही कहीं जा सकते हैं बस उतना ही। तो अभी आज जा रहे हैं हम, आज हमको बैंगलोर वापस निकलना है। हाँ तो शाम को हमको बैंगलोर वापस निकलना है, हाँ क्योंकि हमारे लीव्स ख़त्म हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं वो हाथी देखने, फाइनली आज देखते हैं। 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं बट कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। ये लोग बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। यही मिल गया एलिफेंट। सो बिग एलिफेंट कम फ्रॉम वेयर? होटल इधर उधर। वो मेरे भाई बांध क्यों रखा है यार इसको? तो हाथी तो यही दिख गया, बट जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे ढेर सारे हाथी हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हाथी हैं ऐसा लोग बोलते हैं। वलार जाना है और कल घोड़े से तो इतना डर लग रहा था, ये तो बहुत हाइट है। इट्स ओके, दे नो द दे टेल द ट्रिक्स टू गेट द बोट बट यू विल गेट स्केर्ड नाउ। नो आई वोंट गेट स्केर्ड, एलिफेंट्स आर बिग नाउ। ही इज माय ड्राइवर। ड्राइवर स्लोली, ड्राइवर You need any help, driver? हाँ? कुछ भी help हो ना? कुछ भी help हो ना? हाँ। थोड़ा गाड़ी गंदा हो गया, थोड़ा साफ हो जाएगा। तो आ गए हम वो एलिफेंट वाली जगह। यहाँ तो सच में 50 हाथी है। 1, 2 उधर 3। यहाँ आस पास ही एक्चुअली टेम्पल के पास की जगह है। टेम्पल है ये, टेम्पल का नाम क्या है? गुरुवायूर। हाँ ये गुरुवायूर टेम्पल के सारे हाथी हैं, करीब यहाँ 50 हाथी, हर जगह हाथी ही हाथी हैं, यहाँ वहाँ यहाँ। ये काइंड ऑफ हाथियों का घर है, मतलब यहाँ जितने भी हाथी इस टेम्पल में हैं सब यहीं रहते हैं। और कलरफुल तो नहीं है बट हाँ 50 हाथी हैं यहाँ। सिस टेलिंग नमस्कार। यहाँ तो सच में वाला 50 आती है बट कलरफुल नहीं है, बोला था कलरफुल रहेंगे इधर। आई डोंट नो, इट्स वेरी कलरफुल। चलो कम, दिस इज नॉट वेल, इट्स शिवरिंग आई थिंक सो, लाइक दिस। नो शी इज टेलिंग नमस्ते 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 वल्लर नमस्ते बाय बेबे। सी हाउ लाइक अ क्वीन, रानी लाइक अ क्वीन, दैट इज मी। क्वीन जैसा बैठे सब उसको वैसा पंखा वंखा चला रहे। नाइस। नाउ ही विल स्टैंड। ओह ही सेड ही क्लीन दैट एंड नाउ ही इज ओके ओके। वो एक साइड से उठ रही है ताकि उसको क्लीन करे। ओ भाई बहुत समझदार है यार हाथी यहाँ के। यहाँ ना 50 से ज़्यादा हाथियाँ हैं और सबको ऐसा थोड़ी थोड़ी दूर पे करके रखा है और सब कोई नहा रहा है, किसी की साफ सफाई चल रही है, कोई देखो खा रहा है उधर। क्लोजर डोंट गो। ब्रेकिंग द ब्रांच एंड हैविंग शोली यू वर टेकिंग द वीडियो ऑफ दैट बात टू सी द वे इट वाज सो। बैठना है ऊपर। आई वांट टू बट दे आर नॉट अलोन, दे आर नॉट अलोन बिकॉज़ इट इज नॉट सेफ।
एक गजराज जी आ रहे हैं बहुत बड़े, क्या प्यारे लग रहे हैं यार। कैमरा घुमा दे दो यहां। எதுக்கு हां द वायलिन टाइम இல்ல புரியல द वायलिन टाइम இருக்கு वायलिन का இல்ல அந்த டைம் ஆகுது அந்த மாத்தி வச்சிருக்கு। तो सर बता रहे हैं यहां पे टोटल 39 एलिफेंट्स हैं, मतलब लगभग 40, एक कम नहीं 40, 39 एलिफेंट्स। मतलब केरला की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मैंने अभी एक्सप्लोर किया है। वलार को मलयालम आती है तो मलयालम में सारी चीज़ें पूछ रही है दी। वलार इज काइंड ऑफ माय ट्रांसलेटर, उसको सारे लैंग्वेज आते हैं साउथ के। ये नहीं होती तो मेरा ट्रिप ही मतलब क्या ही होता, मैं क्या ही करता यहाँ बिना लैंग्वेज की, क्योंकि हिंदी यहाँ लोगों की बहुत कम आती है। एंड वन मोर थिंग, व्हाट दे आर टेलिंग यू, दे हैव लेफ्ट फॉर वन मंथ देयर मींस बिकॉज़ दे विल बिकम सो वायलेंट एट वायलेंट टाइम, इवन द इंस्ट्रक्टर दे विल नॉट बी विद देम मींस। ओके ओके ओके, इवन इट शोस वायलेंस ऑन द पीपल हु इंस्ट्रक्ट देम। I mean, who take care like our parents? Be that side on that. Ah, that is that. No one are allowed. And they won't allow us there to visit. No one are allowed there. Even while. तो यहाँ पे कुछ और ऐसे हाथियाँ हैं जो थोड़े से violent हैं, instructions भी नहीं follow करते हैं, इसलिए उनको अलग रखा है। वहाँ हमको allow नहीं करेंगे जाने के लिए। तो वहाँ बाहर के किसी भी लोग को allow नहीं करते हैं जाने के, क्योंकि वो कुछ incidents हुए थे, कुछ news आया था। ये मेरी favorite हाथी है। चेन के बारे में पूछो ना, चेन क्यों मान रखा है? बाई चांस भागने से ना, हाँ वो उसको थोड़ा रुकाने के टाइम पर उसको जल्दी कहीं मिल सकता है ना। अच्छा अच्छा, बांधने के लिए वो, ताकि थोड़ा इधर उधर भाग उसका क्लाइमेट कब चेंज होगा बोल नहीं सकता। हाँ ठीक है, माइंड कब बदल जाएगा। सही है सही है। आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है सर? मैं फौजी में था ना, ये दस वाले पूरे फौजी है। हाँ आप लोग आर्मी का कदम होने के बाद आया हुआ था। रिटायर्ड आर्मी है। सही है। अच्छा बहुत बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो आप यहाँ पे, मतलब इतना प्यार है। आप तो रोज यहाँ रहते हैं? हम बैंगलोर में रहते हैं, जॉब करते हैं, बट ये तमिलनाडु से हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में काम रहे? क्या चीज़? उत्तर प्रदेश में काम रहे? मिर्जापुर, वाराणसी। वाराणसी ओके। काशी? हाँ काशी। वाराणसी में गए हूँ। आप गए? हाँ आप अभी कश्मीर गए तो मतलब नॉर्थ में हर जगह गए होंगे। तो ये सर हैं, ये बता रहे हैं जितने भी लोग यहाँ सिक्योरिटी में हैं सब लोग XRP के लोग हैं, सब कश्मीर में सब कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में सर्च कर चुके हैं। बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं कहीं कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लैंग्वेज। मैं भी बोल रहा हूँ हिंदी में, इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट आपको चेंज करके हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं इनको इंग्लिश या हिंदी में बोल रहा हूँ कि आप ये पूछ के उस लैंग्वेज सब जो भी है हिंदी में आपको बात कर सकते हैं। सभी बात कर सकते हैं जो मंदिर में है उधर है। क्या नाम है इनका? मलर। मलर मलर में मलर ना आपको मलर दिखाना उनको मलर क्या ना वो नहीं बोल रहा करेक्ट मलर क्या है मलर हाँ। कोई भी एक बार में इनका नाम करेक्टली नहीं बोल सकता। मैंने 7 बार में इनका नाम सीखा था वो भी जो फूल है ना उसको मलर बोलेगा। पूरे चावल है ना, चावल नहीं वो क्या बोलता दान, चावल का दान, दान वो चावल बनने से पहले उसको फिर गरम करके लेकर दिखाना मलर, वो दुकान में मिलता है। हाँ, मलर बोलने से वो चिपका रहता है। हाँ, चूरा बोलते हैं। हाँ, हिंदी में चूरा बोलते हैं। धान को भिगा के फिर उसको नहीं नहीं वो करने से पहले। हाँ, मलर दूसरे है। हाँ, वो अविल है। समझा वलरमती वलरमती वो दूसरा नाम हो गया। वो ऊपर आ रहे फूल केवल तो बाहर आ रहे वो वलरमती। ओके ओके, मैंने वलरमती वो भी है वो चंद्र है ना मून। इज कॉल्ड माय नेम मीनिंग इज एम पेर वलरमती दा वलरमती मून हो गया अभी ग्रोइंग मून वलरमती फूल थिंग मून फ्लावर एवरीथिंग। मेरे फ्रेंड का वाइफ का नाम है वलरमती सौंदरराजन वलरमती, इसलिए वलरमती मैं बोला। मेरे को हम बात करते हैं ना इसलिए वलरमती। अच्छा हो गया मिल गया। बहुत मेरा दिल तमिलनाडु में चल गया, कश्मीर में चल गया, चाइना बॉर्डर में चल गया, अब वापस उधर आ गया। आप लोगों की वजह से, नहीं तो मैं उतरे के चुपचाप खड़े रहना। अभी तो दिल कनाडा चल गया। क्या है, दो मिनट में जाते दिल कनाडा
காஷ்மீர் தமிழ்நாடு बहुत खुश तमिलनाडु நல்லா இருக்கும் தமிழ்நாடு இஸ் ஆல்சோ டெம்பிள்ஸ் தமிழ்நாடு டெம்பிள் پورا देखना है क्या टेंपल या see even he is telling tamilnadu is famous for temple we'll get married in madura meenakshi only बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके ठीक ओके थैंक यू अंकल बाय नाइस मीटिंग यू ओके मलर बाय मलर भाई इतना अच्छा लगा ये सर से बात करके हमको ऐसे चेहरे से देख के लग रहे थे बहुत रूड हैं जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं बट इतने प्यारे लोग हैं इतने प्यारे और जितने भी ये सिक्योरिटी में दिख रहे हैं वाइट शर्ट में सब के सब एक्स आर्मी वाले लोग हैं ये सर तो बहुत ही अच्छे थे इन्होंने कुछ चीज़ें हमको बताई यहाँ वहाँ घूमने के लिए और कुछ चीज़ें सजेस्ट करी तमिलनाडु बहुत मेरे को सजेस्ट किया जाने के लिए और सर ने बताया कि यहाँ पर जितने भी हाथी हैं ना सब हाथी के डिफरेंट डिफरेंट नेम है सबका अपना नेम है और सब समझते हैं बात को और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि सारे हाथियों की उम्र 25 से 77 के बीच में है यहाँ सबसे जो पुराना हाथी है वो करीब 77 ईयर्स ओल्ड है मतलब समझ लगभग 80 साल इंसान नहीं जी रहे हैं आजकल 80 साल क्रेजी भाई मस्त मस्त मैं नाम लिख दूंगा मैं कुछ पोट्टे करके नाम है ये एलिफेंट केव भी बोलते हैं कोई यदि केरला आ रहे तो यहाँ विजिट करो यार मज़ा आ जाएगा लोग भी बहुत ही प्यारे हैं अरे भाई डर लग रहा है ये हमारे पास ही क्यों अरे अरे भाई स्पीड भी बहुत ज़्यादा है स्पीड भी बहुत ज़्यादा है मैं तो डर गया था बी केयरफुल विद दिस चैनल सो जा सकते हो बहुत एग्रेसिव है वलर हे भगवान बी केयरफुल थैंक यू सर भाई ये हाथियों को टच करके ये मेरा फेवरेट हाथी है वैसे ये मेरा फेवरेट हाथी है बट बहुत ही अग्रेसिव है बहुत ही बलराम पता नहीं कि नाम बलराम है एज क्या है 22 ये अभी बहुत ही यंग है शायद इसलिए इतना अग्रेसिव है ऐसा ही करती है इतना क्यूट बनेगी ना इतना क्यूट बनेगी सामने वाला बंदा खुद ही ऑफर कर देगा जो भी ऐसा इनोसेंट सा फेस बनाएगी ना कि दिस गाइस आल्सो बिग ही इज वेरी बिग